हेलो पॉपलोज, दिस इज योर आयुष भैया एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारी क्षितिज बुक का दूसरी कहानी जिसका नाम है बाल गोविंद भगर। तो देखो वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों को इस पार्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तो अब आराम से चुकुमुकु बैठने से पहले यार तुम लोग बहुत गद्दारी करते हो मेरे साथ, वीडियो को तो एंड तक देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो याद से सब्सक्राइब कर देना और इंस्टा पे फॉलो कर लेना, इंस्टा की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो अब आराम से चुकुमुकु बैठो एंड आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। और सबसे पहले मैं तुम लोगों को मिलाना चाहूंगा इस पार्ट के सबसे मेन दो कैरेक्टर से, वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। हेलो, मैं हूँ बाल गोविंद भगत और मैं इस पूरी कहानी का सबसे मेन कैरेक्टर हूँ। और ये जो पूरी कहानी है ना, ये मेरे ऊपर ही है और मेरे जीवन के बारे में है। और बीच बीच में मैं भी तुम लोगों को अपनी कहानी थोड़ी बहुत सुना दूंगा। यार तुम लोग मुझे मत भूल जाना, मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया जो तुम लोगों को इस स्टोरी के मेन प्लॉट्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो अब चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस स्टोरी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को हम लोग शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत मीडियम हाइट के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे और उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा की थी। लंबी दाढ़ी या लंबी बाल वो कभी नहीं रखते थे, लेकिन उनका जो पूरा चेहरा होता था वो सफेद बालों से चमकता रहता था। मैं कभी भी ज्यादा कपड़े नहीं पहना करता था, केवल एक लंगोट पहना करता था और सिर में छोटी सी टोपी रखा करता था। सर्दी जैसे ही आती थी तो केवल मैं एक काली कंबल को अपने ऊपर लपेट लिया करता था ठंड से बचने के लिए। माथे में मैं हमेशा एक चंदन का टीका लगाया करता था और तुलसी के बने जड़ों की एक माला पहना करता था। ऊपरी तस्वीर से ये बिल्कुल भी मत समझना कि बाल गोविंद भगत एक साधु थे, नहीं, वो एक फैमिली मैन थे। और लेखक को याद है कि उनका एक बेटा और बहू थे और एक साफ सुथरे घर में वो रहा करते थे, लेकिन लेखक को उनकी बीवी के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है। बाल गोविंद भगत खेती भी करते थे और उनके कुछ खेत भी थे, किंतु खेती बाड़ी करते हुए फैमिली के साथ रहते हुए भी जो बाल गोविंद भगत थे वो एक साधु की परिभाषा में अच्छे से खड़े उतरते थे, क्योंकि बेसिकली बाल गोविंद भगत साधु की जीवन बिताया करते थे। मैं कबीर को साहब माना करता था, यानी कि उनका स्थान मेरे जीवन में बहुत ऊपर था। मैं उनके आदर्शों पे ही चला करता था और उनके लिखे गीत ही गाया करता था और एक खड़ा व्यवहार रखा करता था, यानी कि मैं सभी से बहुत अच्छी तरीके से बात करता था। जानते हैं तुम लोग, मैं किसी से भी बात करने में कभी भी संकोच नहीं करता था, किसी से बेफिजूल झगड़ा भी नहीं करता था और किसी की चीजें बिना पूछे छुआ भी नहीं करता था। उनके इस व्यवहार को देखकर वहाँ के लोग बहुत हैरान रहा करते थे। वो दूसरों के खेत को कभी भी टॉयलेट के लिए नहीं यूज किया करते थे और फसल उगते ही उनके खेत में जैसी फसल उगती थी तो सबसे पहले वो चार कोस दूर जाके कबीर के दरबार में अपनी सारी फसलों को चढ़ा देते थे। चढ़ाने के बाद जितने भी फसल उन्हें एज अ प्रसाद मिला करता था वो उसी में अपना गुजारा किया करते थे। सपोज उनके खेत से 5-6 बोरी की फसल उगी है, धान उगा है, तो वो सारे फसल को जाकर दे देते थे कबीर जी के दरबार में। उसके बाद वहां से उन्हें प्रसादी के रूप में 2-3 बोरे मिल जाते थे, उसी से वो अपना गुजारा किया करते थे। इन सब के अलावा जो लेखक होते हैं वो बाल गोविंद भगत के मधुर गीत पे बहुत ही ज्यादा मुग्ध थे, यानी कि बहुत ही ज्यादा पसंद था उनको और पूरे गांव को उनका संगीत बहुत ज्यादा पसंद था जो उन्हें डेली सुनने को मिलता था। अब हमें आगे के पार्ट में एक वातावरण के बारे में बताया जाएगा और हमें जून जुलाई का महीना के बारे में बताया जाएगा। जून जुलाई का महीना चल रहा था, ठीक है, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सभी गांव खेती में लग गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली जून जुलाई के टाइम पे सभी को धान रोपने में लग जाते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग सभी गाँव वाले अपने अपने खेत पे उतर गए थे और खेती कर रहे थे। कहीं हल चल रहा था, कहीं कोई धान रोप रहा था, तो बच्चे कीचड़ में खेल रहे थे। पूरे आसमान बादलों से घिरा था, ठंडी हवा चल रही थी।
अब सभी अचानक एक मधुर गीत सुनते हैं और तुम लोग भी समझ गए होगे कि यह गीत की आवाज कहाँ से आ रही थी। जो बाल गोविंद भगत थे वो ये सुरीला गीत गा रहे थे, वो भी अपने खेत में काम करते हुए। उनका पूरा शरीर मिट्टी से सना हुआ था, वो लगातार धान को रोपे जा रहे थे अपने खेत में और गाये भी जा रहे थे। और उनके गाने को सुनकर जो लोग थे आसपास वो अपने काम को और जल्दी और अच्छे से करते जा रहे थे। यानी बेसिकली उनके संगीत में जादू थी। रोपनी करने वाले की जो हाथ थी वो और अच्छे से चलने लगती है और वो और अच्छे से काम करने लगते हैं और सभी बोलने लगते हैं कि ये बाल गोविंद भगत की गीत थी या फिर जादू। आगे के पार्ट में हमें अगस्त सितंबर का महीना के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि भादों के महीने के बारे में बताया जा रहा है। और जो भादों का महीना था उसमें पूरा आसमान काले बादलों से घिरा था, बादल गरज रहे थे जोर जोर से, मेंढक भी अपने आवाज को निकाल रहे थे। लेकिन इतने आवाजों के बीच भी बाल गोविंद भगत की जो गीत थी उसे कोई भी नहीं रोक सकता था। उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिजड़ी जोर जोर से बज रही थी और वो गा रहे थे, गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। उस भरी बादलों वाली रात में ऐसा गाना किसे नहीं चौंकाएगा। सब सोए रहते थे और बाल गोविंद भगत की गीत अचानक से सभी को उठा दिया करती थी। कार्तिक के महीने में मैं सुबह सुबह डेली प्रभातियां निकाला करता था, यानी कि सुबह सुबह मैं अपने घर से जब सूरज भी नहीं उगता था उसी टाइम घर से निकलकर गाना गाने लगता था और नदी की तरफ चल पड़ता था। मैं एकदम सुबह सुबह 2 मील चलकर नदी जाया करता था, वहाँ नहाया करता था और फिर वहाँ से लौटकर ऊंचे स्वर में ऊंची जगह पर बैठकर बहुत ही अच्छे सुर में गाना गाने लगता था। आगे लेखक हमें पाठ में बताते हैं कि वो लेट तक जनरली सोया करते थे, लेकिन एक माह के दिन यानी कि जनवरी के एक ठंडी दिन पे वो गीत से उठ जाते हैं, मधुर गीत से उठ जाते हैं और जो बाल गोविंद भगत की जो मधुर गीत होती है उन्हें घींच कर तालाब तक ले जाती है। अब एक बहुत ज्यादा ठंड वाली दिन की बात बताते हैं लेखक और वो बोलते हैं कि ऐसा मौसम था कि पूछो मत, पूरे खेत बगीचे घर सारे फॉग से ढके थे, यानी कि कुहासा से ढका हुआ था, यानी कि पूरा कनकनाने वाली ठंड थी। लेकिन बाल गोविंद भगत एक चटाई में पूरब की तरफ मुंह किए हुए एक काली कंबल को ओढ़कर गाना गाए जा रहे थे। और जो लेखक होते हैं वो वहां जाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा कपकपाने लगते हैं ठंड से, लेकिन जो हमारे बाल गोविंद भगत थे वो सुर में इतना ज्यादा रमे हुए थे, गाना में इतना ज्यादा रमे हुए थे कि उनके माथे से पसीना भी निकल रहा था। अब हमें आगे के पार्ट में गर्मियों के मौसम के बारे में बताया गया है और बोला गया है कि जो बाल गोविंद भगत की गीत होती थी वो गर्मियों में लोगों को शीतलता प्रदान किया करता था। गर्मियों के दिन में जो बाल गोविंद भगत होते थे वो आंगन में चटाई बिछाया करते थे और गाना शुरू कर देते थे। आसपास के जो उनके बहुत करीबी लोग होते थे वो भी आ जाया करते थे और उनके पीछे पीछे गाने को रिपीट किया करते थे। एक समय ऐसा भी आता था कि सभी को उठ के नाचने लगते थे और जो पूरा वातावरण था वो बहुत ही सुंदर हो जाता है उस समय पे। बाल गोविंद भगत की संगीत के चरण उत्कर्ष उस दिन लेखक देखते हैं जिस दिन उनके एक लौते बेटे की मृत्यु हो जाती है। उनका एक लौता बेटा था जिसका मानसिक संतुलन थोड़ा ठीक नहीं था और वो हमेशा सुस्त रहा करता था। इसी कारण जो बाल गोविंद भगत थे वो अपने बेटे को और ज्यादा प्यार किया करते थे, क्योंकि बाल गोविंद भगत के अकॉर्डिंग इन लोगों को और प्यार देना चाहिए, यानी कि ऐसे इंसानों को और प्यार देना चाहिए क्योंकि ये प्यार से ठीक हो सकते हैं और ये प्यार के और ज्यादा काबिल होते हैं। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की शादी बहुत ज्यादा धूमधाम से की थी और अपने घर में बहुत ही सुशील बहू भी लाया था। घर की पूरी मैनेजमेंट कामकाज उनकी बहू बहुत ही अच्छे से किया करती थी। बाल गोविंद भगत की बेटे की जैसे मृत्यु की खबर लेखक को पता चलता है और वो घर जाते हैं तो वहाँ का सीन देख के वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब होता क्या है यार, होता ये है कि जो बाल गोविंद भगत के बेटे थे उनकी जो डेड बॉडी थी वो उन्होंने आंगन में लिटा के रखा था और कुछ फूल भी आसपास बिखेर दिए थे कुछ तुलसी के पत्तों के साथ,
और वहाँ सामने बैठकर, यानी कि अपने बेटे के डेड बॉडी के सामने बैठकर जो बाल गोविंद भगत थे वो बहुत ही सुर में गाना लगातार गाए जा रहे थे। लेखक को एक समय ऐसा भी लगता है कि कहीं बाल गोविंद भगत पागल तो नहीं हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि उनके गाने में वही विश्वास था और बहुत ही ज्यादा वो विश्वास से गा रहे थे। कभी कभी गाते हुए बाल गोविंद भगत अपनी बहू के पास जाते थे जो बहुत ज्यादा रो रही थी, और जो लड़कियां थी, जो औरतें थी, वो उन्हें संभाल रही थी, उनके पास जाते और बोलने लगते, अरे बहू तुम रो क्यों रही हो, ये तो उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि जो आत्मा है वो परमात्मा के पास चली जा चुकी है, यानी कि जो आत्मा है वो भगवान से मिल चुकी है, इसलिए ये तो उत्सव मनाने का समय है। क्रियाकर्म के समय भी जो बाल गोविंद भगत होते हैं वो ज्यादा नियम को फॉलो नहीं करते हैं और अपने बेटे की आग को अपनी बहू के हाथों से ही दिलाते हैं, जो कि कितनी बड़ी बात है तुम लोग सोच सकते हो। आगे कुछ ही दिन बाद जो बाल गोविंद भगत होते हैं वो अपने बहू के भाई को बुलाते हैं और उसे घर से जाने के लिए कह देते हैं, यानी कि अपनी बहू को घर से जाने के लिए कह देते हैं और बोलते हैं इसे ले जाओ यहाँ से और एक अच्छा लड़का मिलते ही तुरंत इसकी शादी कर देना। जस्ट इमेजिन गाइस कि ये जो बात बाल गोविंद भगत जी ने कही ये कितनी बड़ी बात थी, क्योंकि ये कहानी बहुत पुरानी थी और उस समय दूसरी शादी की प्रथा नहीं थी। औरत विधवा हो जाती थी तो बहुत ज्यादा उन्हें कष्ट झेलना पड़ता था, लेकिन बाल गोविंद भगत को सामाजिक नियमों की कोई भी चिंता नहीं थी और वो अपनी बहू की खुशी को देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी उनकी बहू की ज्यादा एज नहीं हुई है और उसकी खुशियां भी अब छिन गई है। याद करो यार, उस टाइम पे सती प्रथा भी बहुत ज्यादा एक्टिव था, तो ये जो बात थी ये बहुत बड़ी बात थी। बाल गोविंद भगत कितने अच्छे इंसान थे ये तुम इस बात से ही पता कर सकते हो। उनकी बहू ये सुनते ही उन्हें बहुत मना करने लगती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है कि मैं नहीं जाऊंगी, आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो आपका देखभाल कौन करेगा, घर को कौन संभालेगा, आपको पानी कौन देगा, आपकी सेवा कौन करेगा, ये सब उसने बहुत ज्यादा कहा, यानी कि उनकी बहू ने बहुत ज्यादा कोशिश की कि वो घर से नहीं जाए, लेकिन बाल गोविंद भगत ने जो कहा उस पे वो लास्ट तक अड़े रहे और आखिर में उनकी बहू को ही हार मानना पड़ा और फिर वो घर छोड़ के चली जाती है। आखिर में आगे के पार्ट में हमें अब बाल गोविंद भगत की मृत्यु के बारे में बताया गया है। अब होता क्या है कि हर साल बाल गोविंद भगत नाचते गाते हुए, यानी कि गाते हुए हर साल गंगा स्नान के लिए जाते थे। अब वो आने जाने के रास्ते में कभी भी खाना नहीं खाते थे, जो घर से एक बार खाना खा के निकलते थे उसके बाद वापस घर लौटते थे तभी खाना खाते थे, और उन्हें गंगा स्नान में पैदल जाने के लिए 4 से 5 दिन लग जाते थे। तो जस्ट इमेजिन कि उनका शरीर कितना कमजोर हो जाता था। तो होता भी यही है कि एक बार वो गंगा स्नान के लिए जाते हैं और लौट कर आते हैं तो उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, वो धीरे धीरे उसके बाद से बहुत कमजोर होने लगते हैं और वो बूढ़े भी हो जाते हैं। लोग उन्हें नहाने से मना करते हैं लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनते हैं और वैसे ही अपना रूटीन टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, सुबह उठते हैं, काम करते हैं, यानी कि जो प्रीवियसली रूटीन वो फॉलो करते थे वही रेगुलर फॉलो करते थे। ठीक है, अब एक शाम की बात है, जो लोग होते हैं वो उनकी गीत सुन रहे होते हैं और लोगों को भी ये पता चल जाता है कि उनका जो गीत था उसमें वो जान उस शाम नहीं दिख रही थी। अब नेक्स्ट सुबह होता क्या है कि लोगों को बाल गोविंद भगत की गीत की आवाज नहीं सुनाई देती है। सभी लोग जाकर देखते हैं तो वो सभी पाते हैं कि बाल गोविंद भगत की अब मृत्यु हो चुकी है। तो इसी के साथ हमारी कहानी का हो चुका है डी एंड। तुम लोगों का सब्सक्राइब करने का और लाइक करने का टाइम आ गया है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। सॉरी, चलो अब तुम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लो। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आंसर चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इंस्टा पे फॉलो किया है कि नहीं कर लेना यार, तुम लोग सभी को इंस्टा चलाते हो मुझे पता है। बस अपने लव्ड वन से बात करने के लिए तुम लोग इंस्टा चलाओगे, मुझे भी फॉलो कर लेना, तुम लोग के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।